हेलो दोस्तों, दिस इज अजाज इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको ग्रे टिक मिल चुका है, ब्लू टिक नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो के बाद आपको भी ब्लू टिक मिल जाएगा। पर आपको एक काम करना पड़ेगा, एक हैशटैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आपके इसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हो तो ग्रे टिक से डायरेक्टली आपको ब्लू टिक कर दिया जाएगा। और iPhone 13 और उसके साथ साथ आपको DSLR मिलने वाला है, और यस वेरी गुड एप्पल वॉच, जैसे कि मैं आपको साइड में पूरी चीज़ दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से मिलेंगे और क्या क्या नए नए अपडेट्स आए टिकी ऐप्स के ऊपर। तो कुछ नहीं करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ग्रेटिक आपको किस तरीके से मिला है। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो काफ़ी ऑसम होने भाई के लिए एक लाइक जरूर करते रहना। लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है, ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। डायरेक्टली मोबाइल इस पर लेकर चलता हूँ, इससे कर देता हूँ यहाँ से स्टार्ट। वॉल्यूम कम कर देता हूँ मैं, ये मैंने वॉल्यूम कम कर दिया है। मैं लेकर चलता हूँ आपको प्ले स्टोर पे, इसका थोड़ा सा डिज़ाइन विज़ाइन भी चेंज हो गया, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ टिकी। अभी इस पर कोई भी नया अपडेट्स नहीं आया है, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। देखिए, एक मैंने वीडियोस बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपको ग्रे टिक नहीं मिल रहा है, यहाँ पर जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, इनके अकाउंट पे ग्रे टिक मिल रहा है, 5 लाख के आसपास है इनके फॉलोअर्स। कम फॉलोअर्स भी रहेंगे तो आपको ग्रे टिक मिलेगा। 5 आपकी वीडियोस वायरल होना चाहिए और हर वीडियोस में 5000 व्यूज़ होना चाहिए। चलिए मैं एक पहले तो वीडियोस दिखा देता हूँ एक बंदे का जिसे ग्रे टिक मिल चुका है और बहुत जल्दी मिला है। तो चलिए सबसे पहले उनका वीडियोस देखिए। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि टिक्की ऐप पे बहुत सारा मेहनत करने के बाद आज मुझे ग्रेट टिक मिल गया है। कैसे मिला आप सबको बता रहा हूं, आप लोग उस रूल को फॉलो करते रहिए। सबसे पहले मैं एजाज सर को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं। मैं उन्हीं की वजह से आज जो भी हूं, उन्हीं की वजह से बना हूं, और टिक्की ऐप पे ग्रेट टिक उन्हीं की वजह से मिला है। तो कैसे मिला है आप लोगों को पूरी जानकारी मैं दे रहा हूं। आप लोग सबसे पहले उनका वीडियो देखते रहिए, अगर जो आपको जो कंडीशन बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। आज मुझे ग्रेटिंग मिला, मैं बहुत खुश था। तो एजाज सर को पहले सबसे पहले मैं उनको बताया तो बोल रहे कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग उनके रूल को फॉलो कीजिए, एजाज सर का वीडियो आप लोग देखते रहिए, आपको भी बहुत जल्द से जल्द ग्रेटिंग मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और एजाज सर को दिल से थैंक यू। आप लोग उनके वीडियो को फॉलो करें, देखें क्या क्या बोलते हैं, उस रूल के हिसाब से आप लोग चलिए, बहुत जल्द आपको ग्रेटिंग मिल जाएगा। सो गाइस, मेरा टिक्की यूजर नेम है dancersono05। आप लोग वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, मैं आपका भी सपोर्ट करूंगा। तो थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय। तो देखा आपने, आपको भी डायरेक्टली ग्रेटिक मिल सकता है। मेरे वीडियोस देखते जाइए, और जो पुरानी वीडियोस है उसे भी देखकर आप डायरेक्टली ग्रेटिक ले सकते हो। व्हाइट टिक तो बहुत आसानी से मिलता है, पर ग्रेटिक से ब्लू टिक कैसे मिलेंगे वही मैं आपको बताऊंगा। पर यहाँ पर हम पूरे वीडियोस देख लेते। यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक नया अपडेट्स आया है, टिकी क्रिएटिव इंस्पिरेशन लैब। ये कौन सा लैब है जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर किया जा रहा है? टिकी क्रिएटिव इंस्पिरेशन लैब। यहाँ पर आपको शॉर्ट फिल्म, कॉमेडी, डांस, फैशन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस दिखाएंगे। टॉप पर कौन चल रहा है शॉर्ट फिल्म में, कॉमेडी पे टॉप पे कौन चल रहा है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिखाई देंगी। और कैटेगरी आपको भी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कैटेगरी सिलेक्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दो। अब मान के चलो टिकी कैटेगरी एम्बेसडर ये दो लोग हैं, डांस के ये दो लोग हैं मुस्कान ऑफिशियल अयूब खान, फैशन के शिल्पा एन रंजीत, और यहाँ पर स्पोर्ट्स के जसपाल, और हाँ यही है ठीक है। तो पोटेंशियल स्टार मतलब इनकी कैटेगरी में और भी ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं। और ये टिकी एम्बेसडर रिकमेंडेशन हैशटैग चल रहा है, मतलब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें नहीं रहती है, नया हैशटैग लॉन्च होता है, नए इवेंट्स आते हैं, मीटअप चलता है, वो सब चीज़ें आपको यही पेज पर दिखाई देने लग जाएंगी। मोस्ट ट्रेंडी वीडियोज़ इन टिकी, सबसे ज़्यादा ट्रेंड पर क्या चल रहा है अभी टिकी एस्पेक्ट पर। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली वो वीडियोज़ ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पर ये वीडियोज़ ओपन हो रहा है जो अभी टिकी पर चल रहा है ट्रेंड पर। ओके, सबसे ज़्यादा लोग ये वीडियोस को देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये वीडियोस आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर नीचे आता हूँ, टिकी लेटेस्ट अपडेट, नए नए जो अपडेट आते रहते हैं यहाँ से भी आपको वो चीज़ें पता चल सकती है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, टिकी मीटअप के बारे में है। नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको किसी और चीज़ के बारे में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको चैम्पियनशिप, जो भी फैमिली रैंकिंग बोर्ड रहती है वहाँ पर, और ये नया टिकी बस के बारे में, नई नई चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी टिकी लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, तो टिकी क्रिएटिव इंस्पिरेशन लैब पर जाकर जरूर देखना, आपके भी कुछ काम की चीज़ें मिल जाएंगी। और गेट कैटेगरी बैच नाउ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो
तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप डायरेक्टली कैटेगरी इनकी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर ये ग्रे टिक वाले और ब्लू टिक वालों के लिए जिन्होंने कैटेगरी अभी तक सिलेक्ट नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, आपका डांस से रिलेटेड है, कॉमेडी से रिलेटेड है, शॉर्ट फिल्म से रिलेटेड है, जो भी है कैटेगरी ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। अगर मैं यहाँ से बैक करता हूँ और यहाँ से बैक आता हूँ और एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, टिकी एस वी आई पी, ओके वी आई पी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, 1 2 3 4 5 पांच कैटेगरीज है जिसमें पहला नाइट है, ड्यूक, प्रिंस, किंग एंड एम्परर। इसमें जब आप बन जाते हो, उसके लेवल बढ़ते जाते हो, तो आपको कुछ सर्विस मिलती है, एक्सक्लूसिव सर्विस, 1-to-1 कस्टमर सर्विस। जैसे कि भाई आप किसी को फ़ोन लगाते हो टिकी पर, तो डायरेक्टली आपको सबसे पहले सुविधा मिलती है। एंट्री इफेक्ट, जब भी आप लाइव पर जाएंगे तो एक धमाकेदार आपकी एंट्री होंगी जिससे लगेगा कि भाई कोई राजा आ रहा है। कैशबैक अप टू 10%, कैशबैक आपको मिलेगा 10%। अगर 100 रुपये आप कुछ चीज़ परचेस कर रहे हैं तो रिटर्न में आपको 10 रुपीज़ मिलेगा, और 200 रुपये कर रहे तो 20 रुपीज़ मिलेगा, 10% का आपको कैशबैक मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द SVIP ऑफ द ऑगस्ट, ऑगस्ट की ये लिस्ट दिखाई दे रही है आपको टॉप पर जो लोग हैं, जिसे आप फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, इन्हें कोई टिक नहीं मिला है, ग्रे टिक नॉर्मल से वीडियो से, इन्हें कौन सा, इन्हें ग्रे टिक मिल चुका है और इन्हें ये टिक मिल चुका है, ठीक है। इसके कारण ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ बनाइए और SVIP टॉप पोजिशन पर जाइए, सब फर्स्ट इसके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये 2 इसके हैं, यहाँ पर 3 है, 4 है, 5, जो 5 पर रहेंगे उसके टॉप पोजीशन पे वीडियोस दिखाई देने लग जाते हैं। अगर मैं यहाँ से बैक आता हूँ और एक नई चीज़ आपको शो करता हूँ, अब चाहिए आपको, यस रुक जाइए, हाँ, ग्रे टिक से ब्लू टिक। अब ग्रे टिक से ब्लू टिक के लिए मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यस, यूनाइटेड बाय क्रिएटिविटी। ये क्या है, बाय तिरंगा स्टोरी, माय तिरंगा स्टोरी आपको हैशटैग इस्तेमाल करना है, पेट्रोटिज्म, देशभक्ति के वीडियोस बनाना है। इसमें मैंने एक वीडियोस बनाया, जल्द से जल्द आपको टिकी इंडिया पर वो दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पर पेट्रोटिज्म, देशभक्ति के वीडियोस बनाना है जिसमें आपका टैलेंट दिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडियन फ्लैग का इस्तेमाल करना, जो भी आप वीडियोस बनाएंगे मीड बीच में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियोस के, या शुरू से लेकर लास्ट तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बैकग्राउंड में आपके झंडा है, आप वीडियोस बना रहे पीछे अच्छा दिखाई दे रहा है वैसा। कॉल टू एक्शन में आपको क्या करना है, एक लास्ट में शूट आउट करना है, हर घर तिरंगा, इस तरीके से आपको बोलना है और ऑडियंस को भी बताना है कि भाई आप जब भी होस्ट करेंगे, झंडा फहराएंगे, तो उस टाइम पे आपको ध्यान में रखना है और घर में झंडा फहराना है और उसके आगे में रूल्स क्या क्या है। पर इसमें आपको कुछ चीज़ का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, यूज़ माय तिरंगा स्टोरी और यूनाइटेड बाय क्रिएटिविटी, दो हैशटैग आपको लगाना कंपलसरी है, दोनों हैशटैग नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, जो भी आपके आइडियाज़ है कुछ ऐसा रहना चाहिए जो एकदम फ्रेश और ओरिजिनल लगे। HD क्वालिटी वीडियोस होना चाहिए, वर्टिकल फॉर्मेट 9:16 का रेशियो होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी वीडियोस आप बनाते हो और ठीक है, पर जो भी फॉर्मेट चलता है 9:16 के फॉर्मेट में ही चलता है, और ड्यूरेशन कम से कम 12 सेकंड का वीडियोस होना चाहिए, 13, 15, 18, 20, 1 मिनट का भी वीडियोस आप डाल सकते हो, ठीक है। पर हाँ, टी सीरीज के म्यूज़िक इस्तेमाल मत करना है, ऐसे म्यूज़िक इस्तेमाल मत करना है जो रिक्स है, ठीक है। तो भाई हाई रिक्स म्यूज़िक इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिलना चाहिए उनके तरफ से, बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा गिफ्ट जब आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो सबसे वन लकी विनर विल गेट द iPhone 13, पहला iPhone 13, कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास है, वो मिल जाएगा। DSLR विद लेंस किट, लेंस किट के साथ DSLR देंगे जो कि 75-80 हज़ार का है। एप्पल वॉच 40-50 हज़ार की मिल जाएंगी आपको, और 10 विनर विद गेट ए फास्ट प्रमोशन फॉर ग्रेवी टू ब्लू वी, 10 लोगों को ग्रेवी से ब्लू वी पे तुरंत प्रमोट किया जाएगा, चेक नहीं किया जाएगा कैसे कंटेंट है क्या है, पर अगर आपने हैशटैग इस्तेमाल किए, माय वेयर इज माय तिरंगा स्टोरी, यस माय तिरंगा स्टोरी इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। और ऑफिशियल शूट आउट एंड प्रमोशन फॉर यू पेज पर आपका ऑफिशियली शूट आउट और प्रमोशन किया जाएगा, पर उसके साथ साथ ग्रैंड प्राइज भी दिया जाएगा। अब ग्रैंड प्राइज क्या होता है, ऑल द टॉप विनर ऑफ द यूनाइटेड बाय क्रिएटिविटी में जो भी लोग जीत चुके हैं उनके साथ आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, मालदीव्स लेके चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, सिंगापुर जहाँ पर भी तो अच्छा लगेगा, ठीक है। पर अगर कुल्लू मनाली जा रहे हो तो भी अच्छी बात है, फ्यूचर में आपको कभी भी लेकर जा सकते हैं, इसलिए विनर बनना जरूरी है। प्रॉफिट भी है, घूमने को भी मिल रहा, ग्रे टिक से ब्लू टिक भी आ रहे, हर जगह से आपका ही फायदा है भाई। थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल फ्लैग होस्टिंग और क्रिएटिंग ए वीडियो विद ए नेशनल फ्लैग, ये चीज़ ध्यान में दीजिए। सबसे पहले जब भी आप झंडा तिरंगा ओपन करोगे तो केयरफुली ओपन करना है उसको, जब रॉट पर लगाते हो तो वो भी अच्छे से करना है, ठीक है। मैंने नेशनल फ्लैग होस्टेड, और जब भी होस्ट करोगे तो सैफ्रॉन कलर ऊपर होना चाहिए, ग्रीन नीचे होना चाहिए, वाइट बीच में, ठीक है। उल्टा फ्लैग नहीं लगाना है, गलती नहीं करना है। देयर शुड बी नो फ्लैग आइदर अबाउट द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग के ऊपर में कोई झंडा उस टाइम पर नहीं होना चाहिए, सब कम होना चाहिए या ना हो तो भी ज़्यादा अच्छा। होस्टिंग के टाइम
आपको खड़े होके उसे रिस्पेक्ट देना है, मतलब खड़े होके जो जन गण मन आप गाते हो वो कंप्लीट गाना है और रिस्पेक्ट देना है। फ्लैग कैनॉट बी इंडोनेशियन अलाउड टू टच द ग्राउंड, गलती से भी ग्राउंड पे ज़मीन पे झंडा गिरना नहीं चाहिए, पानी में नहीं गिरना चाहिए, गाड़ी के ट्रक के कार के ट्रेन के एरोप्लेन के साइड में लगाकर आप झंडा ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है। नेशनल फ्लैग शुड बी फ्लोन फ्रॉम द, ये जब आप झंडा फहराएंगे सुबह के वक्त फहराना है सूरज निकलने के बाद और सूरज डूबने से पहले इसको उतार देना है आपको। ओके, आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग शुड बी रैप्ड, अब जैसे होस्ट हो गया सब कुछ कंप्लीट हो गया हमारा, उसके बाद उसे निकालना है वॉश करके अच्छे से घड़ी करके अच्छे से उसे रख देना है, पर ग्राउंड टच नहीं होना चाहिए। एंड शॉल नॉट बी थ्रोन ऑन ग्राउंड, और ग्राउंड पे फेंकना भी नहीं है। बहुत बार आपने देखा होगा अभी जैसे कि इंडिपेंडेंस डे आ रही है उसके बाद लोग क्या करते हैं ग्राउंड पे फेंकना स्टार्ट करते हैं, यानी मतलब चलते गिर जाता है यार उनसे, तो ऐसा नहीं करना है, उसको उठाना है चूमना है और घर में ले जाके अच्छे से रखना है। आई लव माई इंडिया। ओके, तो इसके कारण आपको भी क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। माई तिरंगा स्टोरी अगस्त 2022 15 अगस्त भी आ रही है, तो इससे पहले आपको वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दीजिए और डायरेक्टली ग्रे टिक से ब्लू टिक आपको मिल जाएगा। तो इसे कर दो तो यहाँ से बन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर करते फ्रेंड सब्सक्राइब चैनल इंजीनियर ऐसे और इसमें आपके लिए बनाते रहते। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।